दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट पावरफुल लैपटॉप्स जो 60,000 रुपीस की प्राइस कैटेगरी में आते हैं। देखो ये प्राइस कैटेगरी ऐसी कि इसमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप्स ग्राफिक कार्ड के साथ मिलते हैं। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स भी पावरफुल पी सीरीज और एच सीरीज के प्रोसेसर के साथ देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके लिए 4 पावरफुल स्लिम सीरीज के लैपटॉप्स और 2 डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप्स को सिलेक्ट किया है। इसमें आपको राइजन 7 और इंटेल की 12 जनरेशन के प्रोसेसर मिलेंगे, साथ ही 16GB रैम, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, NVMe M.2 SSD, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलेट कीबोर्ड, बिल्ट इन एलेक्सा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसे तगड़े फीचर्स मिल जाएंगे। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी और अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट लैपटॉप सिलेक्ट कर पाओगे। उसी के साथ देखेंगे इन सभी के डिटेल, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे आपके लिए कौन सा लैपटॉप लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों शुरुआत हम स्लिम सीरीज के पावरफुल लैपटॉप से करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर प्रोफेशनल वर्क के लिए कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं तो ये 4 लैपटॉप आपके लिए सही रहेंगे। इन सभी में आपको 16GB की रैम प्री इंस्टॉल मिलती है। तो अगर आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, एडिटिंग और मीडियम सेटिंग्स पर थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहते हैं तो ये सब काम इनमें इजीली हो जाएंगे। तो शुरुआत करता है नंबर 4 से। तो नंबर 4 पर आता है लिनोवो थिंकबुक 15। इसमें आपको इंटेल की 12 जनरेशन का i5-1235U प्रोसेसर मिलेगा। देखो यू सीरीज के प्रोसेसर काफी पावर एफिशिएंट होते हैं जो पी सीरीज और एच सीरीज जैसे हाईली प्रोडक्टिविटी काम करने के लिए नहीं बने होते, बट ये इतने पावरफुल होते हैं कि इसमें आप सभी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये लिनोवो की लेटेस्ट जनरेशन का लैपटॉप है जिसमें आपको लिनोवो आइडियापैड से थोड़ी बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलती है, साथ ही एल्यूमिनियम टॉप कवर, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलाइट कीबोर्ड और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स को भी ऐड किया है। यह था 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। साथ ही इसमें इंटेल i5-1235U 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, इंटेल आईरिस एक्सी के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 3200 MHz 16GB DDR4 रैम, 512GB की NVMe M.2 SSD, रैम को 40GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, साथ ही स्टोरेज को भी 2TB तक अपग्रेड कर पाओगे। उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस 2021 के लाइसेंस वर्जन, 2W स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी ऑडियो, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलाइट कीबोर्ड, मल्टी जेस्चर टचपैड, HD वेबकैम और कैमरा शटर जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट, RJ45 पोर्ट, 2 USB 3.2 पोर्ट और SD कार्ड स्लॉट दिए गए हैं। इसमें 45W 3 से लिथियम आयन बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलेगी जिसमें लगभग 5-6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा। इसकी प्राइस 60,000 रुपीज है। इस प्राइस में आपको एक परफेक्ट ऑलराउंडर स्लिम सीरीज का लैपटॉप मिल रहा है जिसे आप इन फ्यूचर काफी हद तक अपग्रेड कर सकते हैं। साथ ही इसमें डायरेक्ट एक्स 12.1 अनेबल ग्राफिक्स मिलते हैं तो कोई भी गेम मीडियम सेटिंग्स पर 40-50 FPS पर खेल पाओगे। वैसे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है HP Pavilion 15। दोस्तों HP की प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप है तो बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच मिलेगी। इसके अलावा फुल टच डिस्प्ले के साथ आने वाला एक पावरफुल लैपटॉप है। इसमें आपको बिल्ट इन एलेक्सा, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलाइट कीबोर्ड और एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। यह था 15.6 इंचेस की फुल एचडी आईपीएस एलसीडी फुल टच डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। उसी के साथ इसमें राइजन 5 5625U 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, AMD वेगा 7 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 3200 MHz 16GB DDR4 रैम, 512GB की NVMe M.2 SSD। इसमें आप रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते बट स्टोरेज को 2TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस 2021 के लाइसेंस वर्जन, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलाइट कीबोर्ड, बिल्ट इन एलेक्सा, HD वेबकैम और मल्टी जेस्चर टचपैड जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, एक USB टाइप सी पोर्ट और SD कार्ड स्लॉट दिए गए हैं। इसमें 41W 3 से लिथियम आयन बैटरी मिलेगी जिसमें 5-6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। इसकी प्राइस भी 60,000 रुपीज के आसपास देखने को मिलती है। दोस्तों ओवरऑल एक ऑलराउंडर लैपटॉप है जिसमें आपको फुल टच डिस्प्ले मिलेगा। इसमें आप फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे काम इजीली कर सकते हैं। अगर आप एक प्रीमियम और पावरफुल लैपटॉप लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसकी बिलिंग डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसे डायरेक्टली चेकआउट कर पाओगे। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है HP 14S। दोस्तों सेमी प्राइस में आपको 2 कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप्स मिलेंगे जिसमें एक राइजन 7 5700U वाला वेरिएंट और इंटेल i5-1235U वाला दूसरा वेरिएंट मिलता है। दोनों की प्राइस में लगभग 2000 रुपए का डिफरेंस है बट परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों में ही लगभग आपको सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो दोनों में से जो भी आपको कम प्राइस में मिले उसके साथ आप जा सकते हैं। HP 14S में आपको 14 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी, लेकिन अगर आप बड़ी 15.6 इंचेस वाली डिस्प्ले चाहते हैं तो HP 15S भी लगभग 61,000 के करीब मिल जाएगा। वो भी इंटेल i5-1235U प्रोसेसर के साथ आने वाला लैपटॉप है तो परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आएगा।
इसके अलावा इनमें 3200 MHz 16GB DDR4 रैम 512GB NVMe M.2 SSD विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन बिल्ट इन एलेक्सा बैकलाइट कीबोर्ड ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स HD वेबकैम और मल्टी जेस्चर टचपैड जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ड्यूल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ HDMI पोर्ट SD कार्ड रीडर एक USB टाइप सी पोर्ट और दो USB 3.2 पोर्ट्स दिए गए हैं। इसमें 41 वाट आवर 3 सेल लिथियम आयन बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलेगी जिसमें 5-6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। HP 14S Ryzen 7 वाले वेरिएंट की प्राइस 61,000 रुपीज़ है, i5 1235U वाले वेरिएंट की प्राइस 69,000 रुपीज़ है और HP 15S की प्राइस 61,000 रुपीज़ है। दोस्तों परफॉर्मेंस इनमें आपको जबरदस्त मिलेगी, इसमें आप गेमिंग वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग और कोडिंग वगैरह इजीली हो जाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग इन तीनों में से किसी भी लैपटॉप को आप परचेस कर सकते हैं, तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं स्लिम सीरीज के नंबर एक की तरफ। तो नंबर एक पर आता है Asus VivoBook 16X। दोस्तों इस लिस्ट का सबसे पावरफुल प्रोसेसर और बड़ी डिस्प्ले साइज वाला लैपटॉप है। इसमें आपको Ryzen 7 5800H सीरीज का एक पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा जिसकी परफॉर्मेंस i5 1235U से काफी बेटर देखने को मिलती है। ये प्रोसेसर वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग कोडिंग प्रोग्रामिंग और बेस्ट लेवल की गेमिंग करने में कैपेबल है। नॉर्मली H सीरीज के प्रोसेसर प्रोडक्टिविटी और गेमिंग लैपटॉप्स में यूज होते हैं तो परफॉर्मेंस के मामले में इसमें कोई इशू नहीं आएगा। यह था 16 इंचेस की फुल HD प्लस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले 250 निट्स की ब्राइटनेस 45% NTSC कलर गैमेट और 1920x1200 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसमें Ryzen 7 5800H 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर AMD Vega 7 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स 3200 MHz 16GB DDR4 रैम 512GB NVMe M.2 SSD। इसमें रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते बट एक एक्स्ट्रा SSD स्लॉट मिल जाएगा। उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन बैकलाइट कीबोर्ड फिंगरप्रिंट सेंसर मल्टी जेस्चर टचपैड और HD वेबकैम जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ड्यूल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ HDMI पोर्ट एक USB टाइप सी पोर्ट दो USB 3.2 पोर्ट और एक USB 2.0 पोर्ट दिए गए हैं। इसमें 50 वाट आवर 3 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलेगी जिसमें 5-6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। इसकी प्राइस 62,000 के आसपास फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर आप प्रोडक्टिविटी टास्क ज्यादा करते हैं जिसमें ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सभी काम करने के लिए कैपेबल प्रोसेसर है। इसमें आपको स्मूथ और लैग फ्री एक्सपीरियंस मिल जाएगा। दोस्तों इन सभी लैपटॉप्स की बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर पाओगे। अब देखते हैं दो पावरफुल प्रोडक्टिविटी और गेमिंग लैपटॉप्स जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ आते हैं। अगर आप एक गेमर है या फिर 4K वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग 3D मॉडलिंग जैसे हेवी टास्क करने के लिए एक लैपटॉप लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो पहला है HP Victus। अंडर 60,000 रुपीज़ में आने वाला एक पावरफुल गेमिंग और प्रोडक्टिविटी लैपटॉप है। इसमें आपको AMD के प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। इसके अलावा इसमें 144Hz फास्ट रिफ्रेश रेट वाली IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी जिसमें गेमिंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ मिलेगा। यह 15.6 इंचेस की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले 144Hz फास्ट रिफ्रेश रेट 250 निट्स की ब्राइटनेस और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें Ryzen 5 5600H 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर AMD RX 6500M डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। इस ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस आपको NVIDIA GTX 1650 से काफी बेटर मिलेगी। उसी के साथ 3200 MHz 8GB DDR4 रैम 512GB NVMe M.2 SSD विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन बैकलाइट कीबोर्ड बिल्ट इन एलेक्सा ड्यूल फैन कूलिंग सिस्टम मल्टी जेस्चर टचपैड और HD वेबकैम जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ड्यूल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ HDMI पोर्ट USB टाइप सी पोर्ट RJ45 पोर्ट SD कार्ड रीडर और दो USB 3.2 पोर्ट्स दिए गए हैं। इसमें 52 वाट आवर 3 सेल लिथियम आयन बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलेगी जिसमें लगभग 4 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। इसकी प्राइस 60,000 रुपीज़ है। वैसे इसका 60Hz रिफ्रेश रेट वाला वेरिएंट 55,000 के करीब मिल जाएगा। दोस्तों इस प्राइस में एक डिसेंट लैपटॉप है जिसमें आप सभी हाईली ग्राफिक इंटेंसिव टास्क इजीली कर सकते हैं। अगर आप 4K वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हैं तो भी आप इसमें इजीली कर पाओगे। वैसे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Gaming 3। इसमें भी आपको तीन वेरिएंट्स मिलेंगे जिसमें एक इंटेल i5-11320H विद RTX 3050 ग्राफिक कार्ड, दूसरा Ryzen 5 5600H विद GTX 1650 ग्राफिक कार्ड और तीसरा इंटेल i5-11300H विद GTX 1650 वाला वेरिएंट। इसमें GTX 1650 वाले दोनों ही लैपटॉप 55,000 के करीब मिलेंगे बट RTX 3050 वाले वेरिएंट की प्राइस 63,000 के आसपास देखने को मिलती है जो कार्ड ऑफर के साथ आपको 60,000 तक मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करना चाहते हैं तो RTX 3050 वाले वेरिएंट के साथ जाना सही रहेगा। यह थे 15.6 इंचेस की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट 300 निट्स की ब्राइटनेस और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ।
उसी के साथ इसमें इंटेल i5-11320H 4-core 8 वाला प्रोसेसर, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड, 3200 MHz 8GB DDR4 RAM, 512GB की NVMe M.2 SSD, RAM को आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा SSD स्लॉट भी मिल जाएगा। साथ ही विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस 2021 के लाइसेंस वर्जन, बैकलेट कीबोर्ड, 3 मंथ्स का गेमिंग पास, HD वेबकैम, कैमरा शटर और मल्टीजेस्टर टचपैड जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, RJ45 पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट और 2 USB 3.2 पोर्ट्स दिए गए हैं। इसकी प्राइस 63,000 रुपीज है, बट कार्ड ऑफर के साथ आप इसे 60,000 तक इजीली परचेस कर सकते हैं। अगर आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो RTX 3050 वाला वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा, और अगर आपका बजट कम है तो GTX 1650 ग्राफिक कार्ड वाले वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों इसके अलावा Acer Aspire 5 भी इस प्राइस कैटेगरी में सबसे बेस्ट प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप है। ये एक स्लिम सीरीज का लैपटॉप है, बट इसमें आपको इंटेल i5-1240p प्रोसेसर और RTX 2050 ग्राफिक कार्ड का एक डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, बट डिस्प्ले क्वालिटी इसमें आपको एकदम एवरेज मिलेगी। तो अगर आप प्रोडक्टिविटी टास्क ज्यादा करते हैं तो कलर एक्यूरेसी आपको उतनी नहीं मिलेगी। वैसे इन सभी लैपटॉप्स की बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से भी इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर पाओगे। तो दोस्तों ये थे हमारे बेस्ट लैपटॉप जो 60,000 रुपीज की प्राइस रेंज में आते हैं। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।